तीन से चार हफ्ते पहले आरबीआई का यूपीआई को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिससे आपकी और मेरी जिंदगी पर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अभी तक हम लोग यूपीआई से छोटी मोटी पेमेंट्स करते थे, लेकिन इस अपडेट के बाद यूपीआई हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है। अगर स्पष्ट रूप से बताऊं तो आरबीआई ने पांच बड़े अपडेट्स निकाले हैं 1 जनवरी 2024 से, जो कि ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो एक एक अपडेट एकदम स्पष्ट रूप से बताऊंगा। तो सबसे पहला अपडेट है 4 आवर विंडो, यानी कि अगर आप किसी को पहली बार यूपीआई से पेमेंट भेज रहे हो और उसकी जो राशि है वो 2000 से ज्यादा है, तो उस ट्रांजेक्शन को होने में अब 4 घंटे लगेंगे। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो आरबीआई इसको इतना मुश्किल क्यों बना रहा है? अब यूपीआई ने हमारी जिंदगी को आसान तो कर दिया, लेकिन जो पेमेंट के फ्रॉड्स है वो भी बढ़ चुके हैं, और इसी के लिए आरबीआई ने इस नियम को निकाला है। अब चलिए मैं आपको इसको ठीक से समझाता हूँ। अब मान लीजिए आपने किसी को पहली बार यूपीआई से पैसे भेज दिए, किसी नए इंसान को आप पहली बार पैसे भेज रहे हो यूपीआई से, और जो राशि है वो 2000 से ज्यादा है, तो उस ट्रांजेक्शन को होने में 4 घंटे लगेंगे। अब उन 4 घंटों में आप उस ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है 2 घंटे बाद कि मैंने किसी गलत इंसान को पैसे भेज दिए, तो उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर जो ऑनलाइन फ्रॉड करके आपके पैसे निकाल लेते थे, उनका यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि अगर आपको 2 घंटे या 3 घंटे बाद पता लगता है कि मैंने किसी गलत इंसान को पैसे भेज दिए हैं या फिर मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, तो आप उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल भी कर सकते हो। और हाँ, ये जो 4 घंटे का जो विंडो है, ये सिर्फ 2000 के ऊपर वाले ट्रांजेक्शन के लिए, उससे अगर कम आप राशि किसी को ट्रांसफर कर रहे हो तो वहाँ पर फ्रॉड हो सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आपका बहुत बड़ा जो नुकसान होने वाला था वो बहुत कम हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हो अपने यूपीआई आईडी से। लेकिन एक मिनट, इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि ब्रोकरेज ऐप से निवेश करना भी तो उतना ही आसान था, तो यूपीआई आईडी आपको अलग से क्या मुनाफा दे रहा है? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो जब भी आपको शेयर खरीदने होते थे, सबसे पहले आप बैंक से ब्रोकरेज ऐप के अंदर पैसे को ट्रांसफर करते थे, फिर उसके बाद आप बाय ऑर्डर लगाते थे, और अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता था तो आपके जो पैसे हैं वो ब्रोकरेज ऐप के अंदर ही पड़े रहते थे। ये खास करके तब होता था जब आप किसी आईपीओ वगैरह के लिए अप्लाई करते थे। यहाँ पर 2 चीजें हो रही है, एक तो पैसा ब्लॉक हो रहा है, और दूसरा वो पैसा आपको कोई ब्याज भी कमा के नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आपका वो जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता तो आपको कुछ ना कुछ ब्याज कमा के देता। इस अपडेट के बाद जहाँ पर आप यूपीआई से शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकोगे, इसकी मदद से अगर आप बाय ऑर्डर लगाते हो और अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आपका पैसा अगले दिन आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। अब इसके 2 फायदे, आपका जो पैसा है वो ब्लॉक भी नहीं होगा ज्यादा देर तक, और आपको उन पैसों पे ब्याज भी मिलता रहेगा, है ना, काफी बढ़िया बात। अब तीसरा बड़ा अपडेट है यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट को लेके। अब 2023 में जो मैक्सिमम यूपीआई की लिमिट थी वो थी 1 लाख रुपए, लेकिन इसको बढ़ा के आप कर दिया है 5 लाख कुछ कैटेगरीज के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल हो गए या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए। उसी के साथ साथ जो रेकरिंग पेमेंट्स होती है, इसका मतलब आपको जो पेमेंट्स रेगुलरली करनी पड़ती है, जैसे कि SIP, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इन सब के लिए आपको ई-मैंडेट सेट करना पड़ता है। अब इस ई-मैंडेट को सेट किया जा सकता है अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या फिर यूपीआई की मदद से। उसके बाद आज से पहले आपके यूपीआई वाले ई-मैंडेट में अगर 15,000 से ज्यादा की कोई पेमेंट होती थी तो वहां पर आपको ओटीपी चाहिए होता था, लेकिन अब इस लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर कर दिया है 1 लाख म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड या फिर अपने इंश्योरेंस के लिए। इसका मतलब अगर आप अपने यूपीआई से ई-मैंडेट सेट करते हो म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंश्योरेंस के पेमेंट के लिए, तो अब से आपको 1 लाख तक की पेमेंट के लिए कोई ओटीपी नहीं चाहिए होगा। तो इन 2 बदलाव को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 के अंदर हमें काफी सारे ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे जहां पर जो यूपीआई की लिमिट है वो भी बढ़ा दी जाएगी अन्य कैटेगरीज के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आरबीआई इन बदलावों के द्वारा यूपीआई को एक डिफॉल्ट मोड ऑफ पेमेंट बनाना चाहता है ज्यादातर केसेस में। चौथा बड़ा अपडेट है कैश विड्रॉल वाया क्यूआर कोड को लेके। इस अपडेट के बाद आपको एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने पैसों को निकालने की। आप सिंपली अपने फोन पे या फिर गूगल पे से क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे निकाल सकते हो। इसको एनेबल करने के लिए जो NPCI है, जिसने काम किया है हिताची पेमेंट सर्विसेज के साथ, उन्होंने 2023 में मिलके ऐसे यूपीआई एटीएम लॉन्च किए हैं, और बहुत ही जल्द हमें ये देखने को भी मिलेंगे। अभी ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि यार फोन पे या फिर गूगल पे से कैसे पैसे निकालेंगे, तो मैं आपको समझाता हूं ये काम कैसे करता है। तो अगर आपका एटीएम यूपीआई एटीएम है, तो जब भी आप एटीएम में जाओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूपीआई कैश विड्रॉल। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, एक क्यूआर कोड आएगा आपके सामने, और उसको अगर आप अपने पेमेंट ऐप से स्कैन करोगे और पेमेंट ऑथोराइज करोगे तो आपके जो पैसे हैं वो निकल जाएंगे। तो ये इतना ही आसान है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे 5वें अपडेट की तरफ, जो कि है लॉन्च ऑफ यूपीआई पे लेटर। ये जो अपडेट है वो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ा खतरा है, और अगर इसको ठीक से इंप्लीमेंट किया गया तो ये क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस भी कर सकता है। तो यूपीआई पे लेटर का एक सिंपल सा अर्थ ये है कि आपके यूपीआई के ट्रांजेक्शन को देख के बैंक आपको एक क्रेडिट लाइन देगी, और वो क्रेडिट लाइन क्रेडिट कार्ड की तरह होगी, जहां पर आपको 45 दिनों के लिए ब्याज मुक्त पैसा मिलेगा, और जिसको इस्तेमाल करने पर आपको कुछ रिवॉर्ड या फिर कैशबैक भी मिलेंगे। और इसी क्रेडिट लाइन को इस्तेमाल करके आप अपने क्रेडिट स्कोर को भी इम्प्रूव कर सकते हो। और HDFC और ICICI ने इस सुविधा को देना शुरू भी कर दिया अपने कस्टमर्स, जहां पर वो प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन दे रहे हैं आपको यूपीआई के ऊपर। तो बेसिकली ये यूपीआई पे लेटर जैसी फैसिलिटी है।
अब आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ इस अपडेट को लेकर, क्योंकि जैसे ही यूपीआई के ऊपर आपको कैशबैक मिलने शुरू हो जाएंगे तो सोचिए आपको कितने रिवॉर्ड और कैशबैक मिलेंगे, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से महीनों से मेरा तो यूपीआई का खर्चा बहुत बढ़ चुका है। अब अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है मन में तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना।